हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिन से मैं थोड़ा इरेगुलर चल रहा था तो उसके लिए माफ़ी, बट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। और जो भी चीज़ें आपको तुरंत चाहिए उसके लिए टेलीग्राम चैनल को दे दीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये बात देखिए, पहले तो काफ़ी मुद्दों पर बात होगी। जैसे सबसे ज़्यादा बात होगी कि मेंस का सेफ स्कोर क्या होगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा, और सीईटी होगा या नहीं, और कितने रैंक तक लास्ट ईयर मिल गया था। तो कुछ इन बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सीईटी से, ठीक है। अगर आप लोग 2x पे देख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जल्दी देख लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा। तो पहली चीज़, 3 साल सीईटी वैध होगा, ये सब बातें हैं। अगले साल से ग्रुप बी ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। ये देखिए बातें करीब करीब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2018 के बाद से ही चलना शुरू हुई है, ठीक है। जितना मुझे याद आ रहा है 2018 से अभी तक 2023 आ गया, 5 साल हुआ है। इस पर कुछ बातें नहीं हुई, बस इतना ही फाइनलाइज हो पाया है कि सीईटी होगा 2 से 3 साल। पहले 2 साल वैधता थी, अब 3 साल वैधता की बात कर रहे हैं। तो ये इस पे आप मत जाइए, अभी होने वाले आने वाले 1-2 साल में भी होने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर देखिए है इलेक्शन, और पूरी गवर्नमेंट की बॉडीज भी लगभग लगभग इलेक्शन होने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें मान के चलिए कि जो भी चीज़ें पॉजिटिवली अभी हो रही हैं वो दिसंबर या जैन तक होंगे, उसके बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें उतनी अलग होने वाली हैं, ठीक है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, तो इन चीज़ों से आप एकदम अभिन्न रखिए कि ये चीज़ें अगला 2024 का सीजीएल आप तो नॉर्मली ही देंगे, ये एकदम श्योरिटी की बात है। इन इन न्यूज़ पे मत जाइए, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप अगर जैसे बैंकिंग के हैं, लोगों को पता होगा कि अरे नहीं सब एग्जाम एक ही साथ हो जाएगा, तो पैटर्न वैटर्न उन सब का चीज आप एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें होना ही नहीं अभी तक। और रिसेंटली मुझे तो लगता है 24-25 दोनों का जो सीजीएल या एसएससी का कोई भी एग्जाम है, ठीक है, सीजीएल या कोई भी एसएससी का एग्जाम है, वो नॉर्मली जैसे चल रहा है वैसे ही होगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद 1 साल तक गवर्नमेंट बॉडीज नहीं वर्क कर सकती जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, चलिए बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट की डेट की बात, ठीक है। अब देखिए लास्ट ईयर की बात की जाए तो 13 दिसंबर को एग्जाम एंड हुआ था, ठीक है, और रिजल्ट आया था 9 फेब को। और मिशन मोड में पता है आपको कि चल रही है एसएससी, तो लगभग लगभग कितना दिन लिया था, 17 इधर प्लस 31 और प्लस 8 दिन, मतलब अराउंड ये हो गया करीब करीब 55 दिन के आसपास मान ले रहे हैं, ठीक है। इस बार भी अगर 55 दिन देखा जाए तो 27 तारीख को पेपर एंड हुआ है, 27 जुलाई को, ठीक। अब 4 दिन उस मंथ में, 31 दिन इस मंथ में, और अभी तक मान लीजिए 12 तारीख हो चुकी है, 13 तारीख हो चुकी है, तो 12 दिन इधर मान लेते हैं, तो कितना हो गया, करीब करीब 47। तो उम्मीद की जा रही है अगर आना हुआ बहुत अच्छा, अगर स्पीड एसएससी की तो इस वीक के लास्ट तक, जो कि उम्मीद कम है, लेकिन नहीं तो आपको करीब करीब नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अराउंड 20 सितंबर को आप मान सकते हैं कि अराउंड 20 सितंबर प्लस में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, एसएससी ने इसीलिए मेंस की डेट जो 25 को 26 को 27 को अक्टूबर को आपको बता दी, इसी कारण से बता दी कि आप अपनी प्रिपरेशन मत रोकिए, क्योंकि रिजल्ट में देरी हो सकती है मे बी, ठीक है। तो उन्होंने पिछली बार क्या किया था कि 6 या 7 को, 7 फरवरी के अराउंड आपको रिजल्ट एग्जाम डेट बताया था कि मार्च में होगा, 2 मार्च से। और इस बार इसीलिए उन्होंने पहले ही दे दिया कि आप इस चीज़ से टेंशन मुक्त होके कि आप अपना तैयारी करिए, रिजल्ट आता रहेगा, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया है और उससे थोड़ा 2-4-10 नंबर कम लोग मार्क्स हैं, तो आप तैयारी करते रहिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, वेट मत करिए, क्योंकि टाइम फिर आपको नहीं बचेगा। ये तो रही प्री के रिजल्ट की बात, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं सीईटी एग्जाम का हो गया है बात, अब बात करते हैं मेंस के सेफ स्कोर की। अब देखिए मेंस की सेफ स्कोर की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि कितना स्कोर मेंस में था पिछले बार, मतलब रैंक कितनी थी तो लोगों को वो मिला था। अब देखिए बात की जाए वैकेंसी की, तो करीब 5400 वैकेंसी थी, 4600 और 4200 पे ग्रेड की, ठीक है। और उसमें से भी अगर 4800 ग्रेड पे भी ऐड कर दिया जाए तो करीब करीब 6800 के प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। ये बातें हो रही हैं, तो बात अभी AAO की नहीं करेंगे, इसकी बात करते हैं। और इसमें इसलिए मैं इसको 4200 भी ले रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने क्या किया था ना, एग्जीक्यूटिव जो EA की पोस्ट होती है GST में, उसको पहले प्रेफरेंस दे दिया था GST इंस्पेक्टर से। कारण क्या था, लोकेशन, लोकेशन उनको अच्छी चाहिए थी, इस वजह से उन्होंने 4200 को भी प्रेफर पहले दे दिया था, ठीक है, ये कारण था। अब चलिए बात करते हैं लास्ट ईयर की रैंक की। तो मैं ये रैंक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये GST की UR को GST में 3200 पे मिल गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस साल भी जो वैकेंसी है करीब करीब, मतलब अगर मैं बात करूँ 4200 की, तो वो वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मतलब अराउंड 2200-2300 के अराउंड UR की वैकेंसी इस साल भी है, ठीक है। बल्कि इस बार थोड़ा सा, मतलब देखा जाए तो कंपेरेटिवली कुछ वैकेंसी घटी है,
EWS की, या मतलब अगर पिछले साल के कंपेयर में किया जाए तो थोड़ी सी घटी है, लेकिन ऐसा नहीं घटा है कि बहुत ज़्यादा आपको ड्रास्टिक चेंज दिखने को मिला है, इतना भी नहीं मिला। हाँ थोड़ी बहुत तो अंतर आए हैं, ठीक है, तो उस चीज़ पे बात करेंगे। जैसे 2400 के अराउंड वैकेंसी इस बार UR की है, जो कि 27+ मतलब 4600-4200 के लिए है, तो 2400 मान लेते हैं एक बार, ठीक है। और करीब आप देखेंगे 434 मतलब 1023 है EWS OBC के लिए और 434 है इनके लिए EWS के लिए, ठीक है। तो अगर बात की जाए ये दो सब वैकेंसी ऐड कर दी जाए, वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इस बार भी आप मान लीजिए कि 3000 रैंक तक UR को आपको मिलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर 3000 रैंक पे 220 मार्क्स था, मैं जनरल की बात करूँ, 30 तो 20+ मार्क्स वालों का 3000 रैंक अराउंड बना था, ठीक है। अगर OBC की बात करूँ तो 4600 ये PA प्रिवेंटिव ऑफिसर की PO की मिली थी, प्रिवेंटिव ऑफिसर पे इनको इतने पे क्लोज हुआ था, ठीक है। पिछले बार OBC वैकेंसी भी ज़्यादा थी, और ये GST इंस्पेक्टर की थी, ये भी GST इंस्पेक्टर की थी 6000 पे। तो इस बार अगर बात की जाए तो जहां तक उम्मीद है, क्योंकि देखिए पिछले बार क्या था, कैग ओग में वैकेंसी काफी ज्यादा थी, तो जिसकी वजह से काफी बच्चे ऐसे थे कि कैग को भी प्रेफर किए थे, ठीक है, तो उस वजह से भी ये डाउन गया था। इस बार जो लगता है कि जनरल की वैकेंसी 3000 के अराउंड रहेगी, ठीक है, 3000 के अराउंड जब अगर रैंक है आपका, तो पहले बात कर लेते हैं, 3000 रैंक है जनरल में तो आप सेफ हैं, ठीक है, UR में। प्लस अगर आप OBC से हैं तो आप कम से कम 4200 के अराउंड सेफ हैं OBC वाले, और EWS वाले इस बार थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा अंतर आएगा, करीब करीब 4800 रैंक तक बच्चों को, EWS के बच्चों को चांसेस हैं कि 4600-4200 पे ग्रेड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी देखिए 4000 है, और 4000 वैकेंसी मान के चलिए कि कुछ ही बच्चे होंगे जो कि ये इसमें चले जाएंगे, कवर हो जाएंगे, मतलब जो छोटी पोस्ट होती है 4200 मतलब 4200 से नीचे जो 2800 की होती है, कैग की होती है और TA की होती है, बहुत लोग लोकेशन को प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए मैंने इतना रैंक रखा है कि इतने रैंक तक आप रहेंगे। क्योंकि वैकेंसी देखिए पिछले साल भी अगर 4600 की देखेंगे तो 3900 ही वैकेंसी थी, ठीक है, और इस बार की भी वैकेंसी करीब करीब वहीं जा रही है घूम फिर के, ठीक है, 5000 के आसपास दोनों वैकेंसियाँ मिल के आसपास पहुँचेंगी जहाँ तक उम्मीद है, और उस पिछले बार भी 5400 थी, तो उम्मीद की जा रही है 5000, 4800 से 5000 EWS का रहेगा, 4200 से 4300 इनका रहेगा, 3000 के आसपास UR का रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस 100 रैंक तो आप चलता रहता है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। देखिए लास्ट ईयर की बात की जाए तो जो 3000 रैंक बनी थी आपको मैं बता रहा हूँ, जो सेफ स्कोर था वो 320+ था। अब उसका कारण देखिए क्या था 320+ का। देखिए सबसे पहली बात है कि 320+ में जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2 मार्च को, उसमें 8 नंबर तक बढ़े थे, जो 3 मार्च को हुआ था उसमें 13 से 15 नंबर तक बढ़े थे, जो 6 मार्च को हुआ था उसमें 12 मार्क्स तक बढ़े थे, और जो 7 मार्च को हुआ था उसमें 6 मार्क्स तक बढ़े थे। अब आप देखिए कि ये मार्क्स मतलब अगर मैं 320+ की बात करूं, ठीक है, 320+ बात करूं, तो 2 मार्च को कितने मार्क्स रहेंगे, तो हो जाएंगे 315 मान ले रहा हूँ, ठीक है, 3 मार्च को 310, ठीक है, 6 मार्च को करीब 311 के आसपास मान लीजिए, एकदम सेफ की बात कर रहा हूँ, 7 मार्च को 316 मार्क्स, ठीक है, 316 से 17 मार्क्स। अब ये बताइए ये वेरी कर रहा है हर दिन के हिसाब से, और लगभग बराबर बच्चे दिए थे, तो मैं कहीं इसका सम अप अगर करूँ ना तो मैं एकदम 100% सेफ मान के चल रहा हूँ 4600 पे ग्रेड के लिए, ठीक है, मैं बात कर ले रहा हूँ 4600 पे ग्रेड के लिए। 4600 पे ग्रेड के लिए UR कैटेगरी से आप हैं अगर, तो इतना मान लीजिए 315+ सेफ है, ठीक है, सेफ स्कोर है 315+ अगर UR कैटेगरी से आप हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो OBC कैटेगरी से अगर आप हैं तो इतना मान लीजिए 4600 पे ग्रेड की अभी बात कर रहा हूँ मैं, 4600 पे ग्रेड से OBC कैटेगरी के बच्चे अगर हैं आप तो 310+ आप सेफ मान रहे हैं, और EWS कैटेगरी से हैं तो आप 308+ सेफ मानिए, ठीक है, 308+ एटलीस्ट आपको स्कोर करना ही होगा, तब जाके आप सिलेक्शन में रहेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक अराउंड बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर यही करीब कटअप था, और मैं एक लोअर साइड से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इससे 1-2 नंबर कम भी रहे तो चांस बने, ठीक है। तो ये तो रही 4600 पे ग्रेड की बात। अब बात कर लेते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, मतलब 2400+ किसी भी पोस्ट के लिए आप अगर एलिजिबल होना चाह रहे हैं तो कितने मार्क्स तक आप सेफ हैं। तो देखिए अगर बात की जाए 308+ मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे किसके लिए, किसी भी पोस्ट के लिए UR कैटेगरी से, ठीक है, 303+ आपको OBC कैटेगरी से लाने पड़ेंगे, और 303+ आपको EWS कैटेगरी से लाने होंगे, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए।
ये है, और ये मैं उम्मीद करता हूँ तब की बात है जब 300 प्लस 303 से 305 प्लस के अराउंड जाएगा इनका, और इनका 308 प्लस, ये मैं तब बात करता हूँ कि अगर पेपर करीब करीब लास्ट ईयर के पैटर्न पे रहा, लास्ट ईयर के पैटर्न पे पेपर रहा तब। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी एग्ज़ाम में भी, और ओवरऑल चीज़ों पे भी मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें फ़ायदा करेंगी कि कैसा आप स्कोर अपना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और प्लस दूसरी चीज़, अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं तो मैं सेफ़ हूँ, कितना रैंक आ रहा है तो सेफ़ हूँ, तो उस पर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।